हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज है बैंगलोर में डे 3 एंड हम लोग रेडी होके अभी निकल चुके हैं। आज हम बैंगलोर एक्सप्लोर करेंगे, मेट्रो में जाएंगे, है ना नाना? तो चलो अभी चलते हैं, फिलहाल देखते हैं जो जो होगा आप सबको दिखाऊंगा मैं। लेट्स गो। हेलो बैंगलोर, हम लोग ने मेट्रो की टिकट्स ले ली है एंड बस अभी हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ मेट्रो है एंड फिर हम जाएंगे महालक्ष्मी स्टेशन नाम की एक स्टेशन है यहाँ पे। गाइज़ अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट पे लंच करने, बिकॉज़ अभी हो रहा है 1:30 इन द आफ्टरनून एंड रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, पीछे मेट्रो एंड कनेक्टिंग व्यू एंड पीछे हमारा रेस्टोरेंट। तो चलो अभी लंच करते हैं पहले, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। गाइज़ अभी हम लोग हैं ओरियन मॉल में जो कि बैंगलोर में ही है, लेकिन अभी यहाँ पे तो जितना एक्सप्लोर करने को है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कोई और जगह जाएंगे और वहाँ पे भी एक्सप्लोर करेंगे। हमने लंच कर लिया और हम लंच करके सीधा ओरियन मॉल ही आए हैं, बट यहाँ पे उतना शायद कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बिकॉज मॉल ही है वो तो मुंबई में भी होता ही है। तो हम इसलिए शायद कोई और जगह जाएंगे जहाँ कुछ एक्सप्लोर करने को मिले, या तो फिर देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा आपको मैं बता दूंगा ब्लॉग में। सो गाइज़ अभी हम लोग आए हैं कमर्शियल मार्केट एंड MG मार्केट जो कि बैंगलोर में ही है और हमारी होटल के पास में भी है। तो ये एक स्ट्रीट मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग होती है एंड यहाँ पे लाइट्स भी लगाई हुई है बहुत सारी। तो यस गाइस, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनदर डे इन बैंगलोर और आज हम जा रहे हैं मैसूर। कल जैसा कि आपने देखा हम लोग मार्केट गए थे और उससे पहले हम लोग मॉल भी गए थे एंड हमने सब चीज़ें एक्सप्लोर की। तो लेकिन अब टाइम है कि हम जाएं मैसूर, थोड़ा वहाँ भी एक्सप्लोर करें। तो अब हम चल रहे हैं बैंगलोर से और फिर जाएंगे मैसूर और फिर जो भी प्लान होगा आपको दिखाते हैं, मैसूर कैसे ट्रैवल करेंगे हम देखते हैं वो भी। तो एक काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको डायरेक्ट मैसूर में, लेट्स गो। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं मैसूर एंड मैं हूँ मेरी होटल की लॉबी में, आई मीन होटल फ्लोर की लॉबी पे। एक्सप्लोर करेंगे मैसूर पूरा, देखते हैं जो भी साइट सीइंग पॉइंट्स होगी वो, एंड फिर कल हम लोग जाएंगे जहाँ भी जाएंगे आपको बता देंगे। लेकिन कल मोस्टली हम मुंबई जाएंगे बिकॉज हमारी रात की फ्लाइट है, लेकिन कल भी सुबह में हम शायद मैसूर एक्सप्लोर करेंगे। एंड आपको होटल और रूम टूर तो मैंने दे ही दिया है, दोनों रूम्स के रूम टूर दे दिया मैंने। एंड अभी हम लोग जाते हैं
साइट सीइंग करने, तो मैं मिलता हूँ सबसे वहाँ। तो भाई ये है साउथ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट चर्च। जो फर्स्ट चर्च है, जो लार्जेस्ट, वो है गोवा पंजिम में, जो आपने गोवा के ब्लॉग में देखा होगा ऑफकोर्स। एंड एक है केरला में, जो अब तक हम नहीं गए हैं, लेकिन और ये है थर्ड, जो कि है हम कहाँ पे मैसूर में। हाँ यस। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, हम मैसूर पूरा एक्सप्लोर किए। और लास्ट क्लिप जो आपने देखी वो था फाउंटेन शो और मैं शायद उसके ऑडियो म्यूट कर दूंगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बट यस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड फाइनली अब हो रहे हैं रात के 9 o'clock और हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में। एंड बस अब कल का दिन कैसा जाता है, कल हम कहाँ घूमते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कल, क्योंकि अब मुझे भी नहीं पता है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अब मैं डिनर करके सो जाऊँगा, तो मैं मिलता हूँ आप सबसे कल, यानी कि नेक्स्ट डे में, मैसूर का सेकेंड डे। एंड फिर कल ही हम जाएंगे बैंगलोर वापस, क्योंकि वहाँ से है हमारी फ्लाइट। तो यस बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे होने वाला है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स आप तो रहेंगे ही साथ ही साथ। तो चलो अभी के लिए मैं डिनर करके सोता हूँ और मिलता हूँ आप सबसे कल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मी कुकी व्लॉग्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। ये पता नहीं मैंने बीच व्लॉग में क्यों बोला, बट दिस इज़ डे टू इन मैसूर। एंड आज हम आए हैं मैसूर के आर्ट म्यूज़ियम में, जो हमारे पीछे है, एंड मैं यहीं से ही व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो यस अभी हम आए हैं मैसूर के आर्ट म्यूज़ियम में, तो अंदर शायद अभी बंद है इस टाइम पे, ये पता नहीं, लेकिन हाँ आप बाहर से इसका व्यू देखिए, इसको जगन मोहन पैलेस भी बोलते हैं आई गेस। तो हाँ इसके बाद हम लोग और भी जगह घूमने वाले हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग जगह घूमने वाले हैं। फिलहाल फर्स्ट लोकेशन ये है, बहुत बड़ी जगह, तो यहाँ पर आप मैं थोड़ा फ़ोटो शूट करता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सबसे उसके बाद, है ना। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जू में और हमारे पास है हमारी टिकट, एंड बस यहाँ से सामने है हमारा जू एंड वहाँ जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी चीज़ें। ऑफकोर्स रिकॉर्ड करना तो अलाउड होगा ही, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा, है ना, जो जो मज़े मैं करूँगा वो आपको भी घर बैठे बैठे ट्राई करूँगा कि आप लोग सब भी देखें। तो पीछे है जू की एंट्रेंस, चलो लेट्स गो। यू डोंट सी द थिंग्स आई सी, आई टेल यू थिंग्स यू वोंट बिलीव। Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream, it's the sound of soul in me, in me. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, 'cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down, I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Dream.
गाइस ये है चामुंडेश्वर टेम्पल जो कि है मैसूर में ही, थोड़ा अप क्लाइंब हिल, और हम आए यहाँ पे दर्शन करने। सो गाइज, मंदिर का दर्शन करने के बाद, जू घूमने के बाद, पूरा मैसूर एंड बैंगलोर, आई मीन पूरा तो नहीं कह सकते बट या मोस्ट ऑफ द बैंगलोर एंड मैसूर एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं हमारे घर मुंबई के लिए। एंड बस एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं एंड यहां से हम बस बोर्डिंग करेंगे फ्लाइट में एंड मुंबई पहुँच जाएंगे। सो लेट्स गो गाइज। सो गाइज, अभी हम लोग ने बैगेज ड्रॉप कर दिया है हमारा और अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, और फिर हमारी फ्लाइट में अभी है 1.5 आवर्स है बोर्ड करने के लिए। तो चलो अभी पहले सिक्योरिटी चेकिंग कर लेते हैं। और गाइज, अभी हम लोग ने सिक्योरिटी चेकिंग कर लिया है एंड अब हम जा रहे हैं हमारी बोर्डिंग गेट की तरफ। और सबसे अच्छी बात जो है वो है बेंगलोर का एयरपोर्ट जो कि बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है। सो यस, सो ब्लॉग को यहीं करते हैं खत्म।